हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशफाक और आज है मेरे साथ दो प्रोडक्ट। मेरे पास एक है DJI Cosmo Mobile 2 Gimbal और दूसरा है मेरे पास रोड का माइक्रोफोन, जो कि हमारे मोबाइल और टैबलेट्स के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग करते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं दो प्रोडक्ट्स की करेंगे इसमें अनबॉक्सिंग, कैसे हैं ये दो प्रोडक्ट्स जानेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। चलिए दोस्तों, कर लेते हैं इन दोनों के अनबॉक्सिंग एक एक करके, क्या है इनमें, देखते हैं इनके फीचर और कैसा है इनका लुक फटाफट से। तो दोस्तों, ये है हमारा रोड का वीडियो माइक, जो कि माइक्रोफोन है हमारा स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए। तो इसकी कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, हमारा बॉक्स हो गया है ओपन, अब निकाल लेते हैं इसके बॉक्स को। बॉक्स के अंदर है ये दूसरा बॉक्स, ये है हमारा माइक्रोफोन रोड का, और ये इस पे दिया हुआ है हमारा फर जैक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे हेडसेट के लिए कि वीडियोग्राफी के दौरान अगर आप हेडसेट पे अपनी वॉइस को सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ इस जैक के थ्रू आप अपनी वॉइस को सुन सकते हैं किसी भी हेडसेट के साथ में। तो दोस्तों, ये है ग्रिप, ये है ग्रिप जो कि हमको आसानी से हम इसको लगा सकते हैं इस माइक्रोफोन के साथ में इसके बैक साइड पे, और लगाने के बाद हम अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थिकनेस के हिसाब से। जो भी हमारे स्मार्टफोन की थिकनेस है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ये हमारा उसके साथ में स्मार्टफोन के साथ या मोबाइल फ़ोन के साथ या टैबलेट के साथ जिसके भी साथ हमने इसको अटैच किया है उसके साथ में ये बेहतर से उसकी ग्रिपिंग और उसकी पकड़ जो है फ़ोन के साथ बढ़िया से बना सके। इस बॉक्स को भी कर देते हैं हम साइड से, क्योंकि इसमें बस इतना ही था। अब हम आ जाते हैं अपने DJI Osmo 2 Gimbal पर, देखते हैं कि इस गिम्बल का बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलता है और इसकी क्वालिटी भी कैसी है। तो हम कर लेते हैं इसको ओपन, ये हो गया हमारा बॉक्स ओपन, और बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, इसके लिए भी ये हमको मिलता है। इस बॉक्स के अंदर मिला है केस, बढ़िया केस एकदम, इसके साथ भी लिखा हुआ है DJI। इस बॉक्स में बॉक्स की डिज़ाइन भी बेहतर है, बढ़िया लुक है एकदम, आप इसको कैरी कर सकते हैं कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस गिम्बल को इसमें कैरी भी कर सकते हैं, बढ़िया बॉक्स है। और इसके अंदर ये है दोस्तों हमारा फर्स्ट लुक गिम्बल का, आप इसको निकालें इसे फिलहाल, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये है 3 एक्सल, आपको 3 एक्सल पर ये रोटेशन देगा, यहाँ पर ये आपको फ़ोन को रोटेट करने में मदद करेगा, यहाँ पे आपको फ़ोन आप अपना रोटेट कर सकते हैं, आपको पोर्ट्रेट लेना है या हॉरिजॉन्टल लेना है तो उस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये आपके फ़ोन को रोटेशन देगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये आपके फ़ोन को डायरेक्शन देगा, आप इसको आप अपनी सेल्फी लेना चाहते हैं या आप अपने बैक साइड में आप अपने फ्रंट पे वीडियो बनाना चाहते हैं या फोटो क्लिक करना चाहते हैं वो। और ये है आपका क्लिक बटन, जो कि आपको सेल्फी या वीडियोग्राफी के लिए क्लिक बटन दिया हुआ है। और ये है आपका पावर, और यहाँ से ये दोस्तों यह है USB पोर्ट, जिससे कि आप यहाँ से चार्जिंग कर सकते हैं। ये दिया गया है नीचे स्टैंड के लिए, एक पॉइंट दिया गया है जहाँ पर आप नीचे अगर स्टैंड पे इसको खड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको टाइट करके स्टैंड को और इसको खड़ा करके भी वीडियो बना सकते हैं एक ट्राइपॉड की तरह। तो इसको रख देते हैं साइड से और देखते हैं इसमें है क्या क्या। ये है USB केबल इसका, कम चार्जिंग केबल, वही सिलिका जेल मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी इसमें कुछ नहीं है खास डब्बे में। अब देख लेते हैं इन दोनों प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है और क्या हमको इससे क्वालिटी मिलती है ब्लॉगिंग के लिए या वीडियोग्राफी के लिए। फ्रेंड्स, अपने पास है ये मोबाइल, हमको जो 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी ब्लॉगिंग के लिए और अपने गिम्बल को टेस्ट करने के लिए, तो पहला है ये हमारा स्मार्टफोन, ये है हमारा गिम्बल, और ये है हमारे पास जो हमारा माइक्रोफोन रोड का। दोस्तों, कनेक्ट करने के बाद हम अपने स्मार्टफोन को इसमें फिट करेंगे। तो दोस्तों, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आपको ऐप DJI Cosmo 2 ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है अपने फ़ोन अपने गिम्बल को, और उसके बाद कनेक्ट करना है आपको डिवाइस को। अपने डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अभी आपकी डिवाइस लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में जो भी आपको यहाँ पर
दिखाया जा रहा है उसमें ये ऑप्शन आएंगे जो भी आपकी ब्लूटूथ डिवाइसेस होंगी इस समय ओपन, तो हमको अपना डिवाइस कनेक्ट करना है गिम्बल अपनी DJI ऐप से, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आया है दोस्तों ये ऑप्शन वेलकम टू Osmo Mobile 2। अब हम इसको कर लेते हैं रेडी। अब हमको अगर इस पे अलाइनमेंट करना है अपना बिल्कुल गिम्बल को स्ट्रेट करना है स्ट्रेट पोजीशन में, तो हमको दो बार प्रेस करना होगा अपना पावर बटन और ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो जाएगा हमारा गिम्बल फोन के साथ। तो ये हो गया है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। अब अगर हमें इसे लेफ्ट राइट करना है तो हमें जॉयस्टिक को जिस डायरेक्शन में लेना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें अपने जॉयस्टिक को करना होगा टर्न, और टर्न होते ही हमारा गिम्बल कर देगा स्टार्ट अपने मोशन को। तो ये हमारा मूवमेंट गिम्बल का हो गया स्टार्ट। अब अगर ये हमारा स्ट्रेट पोजिशन में हमें आपका अप या डाउन करना है अपने फोन के कैमरा को, तो हम गिम्बल के जॉयस्टिक को अप या डाउन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमें अपोजिट डायरेक्शन में जॉयस्टिक को करना होगा मूव, ताकि हमारा कैमरा हमारे मन मुताबिक कर सके मूवमेंट। तो ये हो गया है। अगर हमें करना है फोटो क्लिक, तो हमें जो क्लिक इमेज आइकन दिया गया है हमारे बटन के ऊपर वहां पर हमें करना होगा एक बार प्रेस, और ये हो गया हमारा फोटो क्लिक। अगर हमें करना है कैमरा के चेंज फ्रंट कैमरा या रियर कैमरा को, तो हमें तीन बार करना होगा प्रेस अपने पावर बटन को, और ये हो गया है हमारा कैमरा चेंज। अब ये हमारा रियर कैमरा, ये हमारा है सेल्फी कैमरा। अगर हमें दोबारा जाना है अपने रियर कैमरा पे, तो तीन बार करेंगे प्रेस और ये हमारा कैमरा व्यू हो जाएगा चेंज। अब दिखाते हैं दोस्तों कि हमें अगर जूम करना है अपने गिम्बल के थ्रू तो हमें क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं सेल्फी कैमरा को एक्टिवेट। तो तीन बार हमने दबा दिया है अपना पावर बटन और ये हो गया कैमरा हमारा चेंज। अगर हमें करना है जूम, तो हम साइड में दिए गए इस बटन को करेंगे डाउन और ये होगा हमारा जूम इन। ये हो गया हमारा जूम इन इमेज। और अगर हमें करना है जूम आउट, तो हम करेंगे ऊपर की तरफ प्रेस और ये हो गया हमारा जूम आउट। अगर दोस्तों इसी बीच में आपको शूटिंग के दौरान आपका मोबाइल हो गया है डाउन या हो रही है उसकी पावर ऑफ, तो आप यहाँ पे यूएसबी केबल के थ्रू आप यहाँ से कर सकते हैं अपने मोबाइल को चार्ज। यूएसबी में कनेक्ट कीजिए और अपने मोबाइल के साथ में यूएसबी केबल कनेक्ट कर लीजिए अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों ये है इसके बहुत सारे फायदे, यहाँ से अपने गिम्बल को कर सकते हैं चार्ज। ध्यान रहे यहाँ पर ये आपको इंडिकेशन रहेगा बैटरी का कि किस तरीके से आपकी बैटरी अभी मौजूद है आपके गिम्बल में, उसी के मन मुताबिक आप शूटिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स दोनों प्रोडक्ट के प्राइस बता देता हूं मैं इस वाले माइक्रोफोन के साथ में। माइक्रोफोन हमारा जो रोड का है, इसका प्राइस है हमारे लगभग 4,500 रुपये, लेकिन अगर ऑफर में किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे या किसी भी शॉप पर आपको मिल जाता है ये कम पैसे में, यानी कि किसी ऑफर में, तो आपको लगभग 4,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। दूसरा हमारा है Osmo 2 मोबाइल का हमारा गिम्बल। अगर ये DJI के गिम्बल आपको लेना है तो ये आपको पड़ेगा लगभग 11,000 का, लेकिन अगर ऑफर किसी ऑनलाइन पोर्टल पे या किसी भी शॉप पर आपको मिलता है तो ये लगभग 10,000 से 10,500 रुपये तक आपको मिल सकता है। तो ये रहे प्राइस हमारे दोनों प्रोडक्ट के। बाकी अगर आप Amazon या किसी Flipkart से लेना चाहते हैं, तो सेम प्रोडक्ट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा आप। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किया था अनबॉक्सिंग Osmo DJI मोबाइल 2 गिम्बल का और रोड के माइक्रोफोन का। कैसी लगी वीडियो या इससे कोई जुड़ा हुआ सुझाव है या कुछ पूछना, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिएगा। इनवाइट कीजिए अपने दोस्तों को, और अगर आप नए हैं और अभी भी वीडियो देखने के बाद आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक बने रहिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत बोलते रहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।